तो गाइस ये टॉपिक पे मैं ऑलरेडी 7 टीम्स के वीडियो बना चुका हूँ, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स, ये 7 टीम्स के मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके देखो, आप जिस टीम के भी फैन हो। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप मुंबई वाला वीडियो जरूर देख लेना, बिकॉज वहाँ पर मैंने आपको बताया है IPL 2021 में जो मेगा ऑक्शन होगा उसमें मोस्टली कौन से रूल्स होंगे, ताकि आप ये समझ जाओ मैं किस क्राइटेरिया से को सेलेक्ट कर रहा हूं। इस वीडियो में हम आखिरी टीम किंग्स 11 पंजाब के उन 5 प्लेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं, 3 वो प्लेयर्स जिनको पंजाब की टीम रिटेंशन पीरियड के टाइम पर रिटेन करेगी और वो 2 प्लेयर्स जिन पे पंजाब अपना RTM कार्ड यूज करेगी ऑक्शन में। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, तो आप क्या कीजिए, बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस शुरुआत करते हैं हम उन प्लेयर से जिनको किंग्स 11 पंजाब की टीम रिटेंशन पीरियड के टाइम पे रिटेन करेगी। तो नो डाउट किंग्स 11 पंजाब का सबसे पहला रिटेंशन होगा KL राहुल का। KL राहुल इस टीम पे कप्तान है और KL राहुल IPL 2020 के ऑरेंज कैप विनर भी थे, सबसे ज्यादा रन बनाया था KL राहुल ने, कमाल की बल्लेबाजी की थी। कोई भी रीज़न नहीं है जिसके कारण पंजाब KL राहुल को छोड़ेगी। हाँ जरूर टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी उनके अंडर, लेकिन उन्होंने अपना बेस्ट दिया था और जैसा हम सबको पता है एक प्लेयर अकेला कुछ नहीं कर सकता है, पूरी टीम को कंट्रीब्यूट करना होगा तभी जाके टीम कुछ कर पाएगी। लेकिन पंजाब की टीम वो करने में सक्सेसफुल नहीं रही थी, पहले 7 मैचेस में सिर्फ एक ही मैच जीत पाई थी। लेकिन फिर भी कुछ इनसाइडर सोर्सेज से ऐसी खबरें आ रही है कि KL राहुल को कप्तान लेकर और अनिल कुंबले को कोच लेकर किंग्स 11 पंजाब की टीम नेक्स्ट सीजन खेलने वाली है। तो फोर्स और पंजाब का फर्स्ट रिटेंशन होगा KL राहुल का। इसके बाद किंग्स 11 पंजाब की टीम रिटेन करेगी मोहम्मद शमी को। इस टीम के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिया था इस सीजन में मोहम्मद शमी ने, कमाल के गेंदबाज है, अभी ऑस्ट्रेलिया टूर पे गए हैं और इंडिया के लिए फोर्स और वो अच्छा करेंगे जहां तक मुझे पता है। और नो डाउट इनको भी टीम रिटेन करेगी ही करेगी, बिकॉज ऐसे बहुत ही कम गेंदबाज है जिनको आप जब भी भेजो बिना ज्यादा रन दिए विकेट लेके आ जाए, उनमें से ये एक है। तो फोर्स और किंग्स 11 पंजाब का सेकंड रिटेंशन होगा मोहम्मद शमी का। इसके बाद किंग्स 11 पंजाब का थर्ड रिटेंशन होगा मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल ने भी सीजन में कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, एक टाइम पे KL राहुल को टक्कर दे रहे थे ऑरेंज कैप की रेस के लिए, लेकिन बीच में इंजर्ड हो गए जिसके कारण KL राहुल बहुत आगे निकल गए। जब वापसी की कुछ मैचेस में बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत तेजी से रन बनाते हैं जिसके कारण KL राहुल पे प्रेशर नहीं आता है। और मुझे लगता है अगर KL राहुल को वो काम दिया जाता कि आप तेजी से रन बनाओ और मयंक अग्रवाल धीरे धीरे पूरा खेलेंगे तो शायद ऑरेंज कैप मयंक अग्रवाल जीत जाते। तो बहुत ही कमाल की बल्लेबाजी की है मयंक अग्रवाल ने और मुझे नहीं लगता इनको छोड़ा जाएगा। जो इनका और KL राहुल का डुओ है वो बहुत ही कमाल का है। तो फॉर श्योर किंग्स 11 पंजाब के थर्ड रिटेंशन होने वाले हैं मयंक अग्रवाल। तो ये 3 प्लेयर्स को किंग्स 11 पंजाब की टीम रिटेंशन पीरियड में रिटेन करेगी। अब पंजाब को 2 RTM कार्ड मिलेगा ऑक्शन में, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर कोई टीम 3 प्लेयर को रिटेन कर रहा है देन उनको 2 RTM कार्ड मिलेगा, और अगर कोई टीम 3 से कम प्लेयर को रिटेन कर रहा है देन उनको 3 RTM कार्ड मिलेगा ऑक्शन में। तो इस बेसिस पे पंजाब को 2 RTM कार्ड मिलेगा। पहला RTM कार्ड पंजाब यूज करेगा निकोलस पूरन पे। इस सीजन में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी निकोलस पूरन ने, जैसा उम्मीद था स्टार्टिंग में वैसा नहीं कर पाए, लेकिन सीजन खत्म होते होते निकोलस पूरन ने बहुत सारे अच्छे नॉक खेल दिए और मुझे लगता है इनपे 7 से 8 करोड़ या फिर उससे भी ज्यादा का बिट लग सकता है जैसा ये बल्लेबाजी करते हैं। बहुत तेजी से बल्लेबाजी करते हैं और बहुत ज्यादा मिडिल ऑर्डर को स्ट्रांग बनाते हैं पंजाब का। एकमात्र ऐसा मैं बल्लेबाज बोलूंगा पंजाब के मिडिल ऑर्डर में जिन्होंने इस सीजन में अच्छा किया है। तो फोर श्योर इनको पंजाब की टीम RTM कार्ड यूज करके अपनी टीम में वापस लेने वाली है। इसके बाद पंजाब के पास अब एक और बस RTM कार्ड बचेगा जो मुझे लगता है वो क्रिस्टोफर हेनरी गेल पे यूज करेंगे। क्रिस गेल को स्टार्टिंग के मैचेस में नहीं खिलाया गया जिसके कारण पंजाब ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया, लेकिन उसके बाद क्रिस गेल को टीम में वापस लेके आया गया और पंजाब की टीम लगातार 5 मैचेस जीत गई। बहुत सारे मैचेस में इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, 99 रन बनाया था राजस्थान के अगेंस्ट, उसके अलावा अपने पहले मैच में भी अच्छा खेला था। तो इतना जो एक्सपीरियंस है गेल के पास आई एम श्योर उसको पंजाब यूज करना चाहेगा, और अगर ऐसा परफॉर्म ना करते तो शायद इनको इस सीजन छोड़ देती पंजाब, लेकिन मुझे नहीं लगता है अब इनको पंजाब छोड़ने वाला है। तो किंग्स 11 पंजाब अपना सेकंड RTM कार्ड क्रिस गेल के ऊपर यूज करेगी। तो ये है वो 5 प्लेयर, 3 वो प्लेयर जिनको पंजाब रिटेंशन पीरियड के टाइम पे रिटेन करेगी और 2 वो प्लेयर जिन पे पंजाब अपना RTM कार्ड यूज करेगी। अब आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बताओ आपके हिसाब से वो कौन से 5 प्लेयर होंगे जिनको पंजाब रिटेन करेगा, और आपके फेवरेट टीम का वीडियो जरूर देखना।
देखना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सारी टीम्स पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, ये आखिरी टीम थी और अभी के लिए बस यही थी वीडियो। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मुझे कमेंट्स में लिखकर बताइए कैसे लगी आपको वीडियो, अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को बजाइए ताकि मैं जैसे अगली वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और आपको कुछ नहीं करना, बस अगले वीडियो के लिए वेट करना है।